फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे डाउट आप लोगों के क्लियर करने वाले हैं जो कि आप लोगों ने बहुत पहले से कमेंट कर रखा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को नोट कर रखा है जो कि आपने क्वेश्चन करा था। तो इस वीडियो में आपका सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगी मैं, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो मेनली ये वीडियो जो है वो क्यू एन ए वीडियो होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि ओटी के बाद बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, मेनली आपने ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है और आपका जो ट्वेल्थ है अगर आपने पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कर रखा है तो आप बिल्कुल ओटी के बाद बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि ओटी करने के बाद भी आप बीएससी नर्सिंग या फिर आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद है कि लेकिन इसमें एक है कि आपका बायोलॉजी होना चाहिए, आप मैथ से बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि जिन्होंने ट्वेल्थ में बायोलॉजी के जगह मैथ लिया था तो क्या वो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग या बीओटीटी या फिर पैरामेडिकल या फिर नर्सिंग कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे कोर्स हैं जो कि मैथ्स वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोर्स हैं जो कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ही करना कंपलसरी होता है, यानी कि वही बस कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा। मैथ वाले के लिए कुछ पैरामेडिकल कोर्स हैं जो कि वो कर सकते हैं, मैथ स्टूडेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि ओटी सेकेंड ईयर के लिए कोई नया बुक लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है आपके माइंड में। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में जी एन शर्मा का या फिर मुर्गीस का जो है ऐसे पब्लिकेशन के बहुत अलग अलग बुक अलग अलग नाम के बुक आते हैं, तो मेनली मैंने बुक पे सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप वो सारे बुक से अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी उसी बुक से पढ़ा है। तो मेनली आप जो है सेकेंड ईयर में अगर आप लेना चाहें बुक, तो नर्सिंग का एक बुक है पी के पनवार का, जिससे आपको कॉमन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो पी के पनवार का नर्सिंग का आप बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे डिजीज और बहुत सारी चीज़ें अच्छे मतलब इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो आप जो है पी के पनवार की नर्सिंग की बुक ले सकते हैं सेकेंड ईयर में, कॉमन का जो पेपर होता है वो आपका उससे कवर हो जाएगा मेनली। फिर आपका है कि ओटी के लिए सेकेंड ईयर में क्या कोई दूसरा बुक लेना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं, आप फर्स्ट ईयर का जो बुक ले रखें उसी से आपका कवर हो जाएगा। और बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे और बहुत सारे गूगल पे पीडीएफ पड़े रहते हैं, बुक पड़े रहते हैं, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो आपको वैसे कोई नीड नहीं है दूसरा बुक सेकेंड ईयर में लेने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप जो हैं मेनली पूछते हैं जॉब वगैरह का, तो देखिए मेरे लेवल पे जहाँ भी वैकेंसी होगी मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन मेरे हाथ में, मैं सही बताऊँ तो मेरे हाथ में नहीं है जॉब। मैंने भी बहुत जगह रिज्यूम डाला और ये किया, तब जाके एक जगह ऐसे होता है कि आपका रिज्यूम सही हो, आप एलिजिबल हो वहाँ के काम करने के लिए, तो आपके पास कॉल जाएगा, इंटरव्यू होगा और फिर आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग होगा। तो इसके लिए ये मेरे हाथ में भी ज़्यादा नहीं है, और जहाँ तक है अगर वैकेंसी होती है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जॉब के लिए तो आपको खुद ही दौड़ना पड़ेगा। फिर है कि आपका जो है ये आपने कमेंट करा था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो आप लोग को बता दूं कि मैंने पहले से ही बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि एग्जाम में अक्सर आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगभग 2 से 3 साल 4 साल के मैंने सारे क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। ओटी का ही नहीं, मैंने लगभग अधिकतर जो भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो एलटी हो, एक्सरे हो, एमआरआई हो, बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स के मैंने पेपर अपलोड कर रखे हैं। तो आप जाके वो सारे वीडियोज को, वो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो है, आप उससे पढ़िए और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। फिर है कि ओटी का अगर आपने डिप्लोमा करा है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का डिप्लोमा करा है, तो इसके बाद क्या करना चाहिए। तो मेनली करना क्या चाहिए, आप इसके बाद भी कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, काम चलाओ। लेकिन अगर आपके पास अच्छी डिग्री रही आगे का, अगर आपके पास अच्छा डिग्री रहा तो आपकी सैलरी तो इंक्रीज होगी, प्लस में आपको अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए भी ऑफर आ सकते हैं। और जो भी अभी वैकेंसी आ रही है गवर्नमेंट जॉब की, उसमें बीओटीटी यानी बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का डिमांड है, यानी बैचलर आपको करना पड़ेगा। या फिर आपके पास 4 से 5 साल, 2 से 3 साल, मिनिमम 2 साल तो हर मतलब सारे वैकेंसी में इतना तो एलिजिबिलिटी में आ रहा है कि 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम, या फिर 5 से 8 साल भी एक्सपीरियंस मांगा है, नहीं तो बीओटीटी हो, बैचलर हो आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में। तो आप जो है ओटी का अगर डिप्लोमा करे हैं तो आप बैचलर कर सकते हैं इसमें, जिससे कि आप गवर्नमेंट वैकेंसी आए तो उसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और आप उसमें जो है अच्छे से तैयारी करके अगर आप फॉर्म डालेंगे, वैकेंसी आएगा तो आपका सिलेक्शन भी अच्छे से हो जाएगा। फिर है कि और एग्ज़ाम का पेपर आप बोल रहे थे अपलोड करने के लिए, तो मैंने एग्ज़ाम का पेपर अपलोड कर रखा है, तब वो सारे पेपर्स जाके चेक कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। और जहाँ तक सवाल है,
100 क्वेश्चंस का यानी 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का, तो अभी जो है थोड़ा टाइम का इश्यू हो जाता है। तो मैं ट्राई करूंगी कि मंथ में 2 से 4 वीडियो तो अपलोड कर ही दूँ 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। और वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं पहले से, तो आप जब से उसे पढ़ लीजिए, नहीं तो और भी बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, वीडियोज हैं जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब है कि जिनका बैक लग गया था, जो फेल हो गए थे, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस थे उनका कि बैक पेपर का एग्ज़ाम कब होगा। तो बैक पेपर का एग्ज़ाम का डेट आ चुका था, शायद जून में हो रखा है उसका एग्ज़ाम। तो उसमें था कि कैसे आंसर वगैरह लिखना है, अभी आगे भी पेपर्स होंगे फाइनल, तो उसमें आप लोग का क्वेश्चन था कि कैसे पेपर को लिखेंगे। तो पेपर लिखने के लिए मेनली है कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टू द पॉइंट आपको आंसर करना होगा। उसमें आपका तो 15 क्वेश्चंस तो 1-1 मार्क्स के आएंगे, 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा, 5 फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, और 5 रहेंगे आपके ट्रू फॉल्स यानी राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट वाले, और आपको जो है 4 करना होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 4 करने होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको एग्जाम देना होगा। और इसमें आपको लिखना कैसे होगा, तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में, जैसे एक नंबर क्वेश्चन है उसमें 5 रहते हैं, तो उसमें आपको लिखना है कि 1.1 का आंसर उसका आगे लिखना है, ठीक, 1.2 आंसर ऐसे करके, 1.3 अगर सेकंड है तो 2.1, 2.3 थर्ड है तो 3.1, 3.2 यानी कि 3-3 करके ऐसे आंसर लिख दिए, 2-2 करके पूरा आंसर लिख दिए, क्योंकि एक ही में आपका 4-4, 5-5 क्वेश्चन है। तो उस तरीके से 1.1 का आंसर, 1.2 का आंसर, इस तरीके से आपको अच्छे से लिखना है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप डिप्लोमा किए हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो क्या इसके बाद अगर आप BOTT करने का सोच रहे हैं यानी कि बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करने का सोच रहे हैं, तो उसमें कितने साल लगेंगे। तो मेनली आपने 2.5 से 3 साल डिप्लोमा में दे दिया, मेनली कहते हैं कि 2 साल में ये कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन लगभग 2.5 से 3 साल आपका लग जाता है, यानी 2 ईयर 6 मंथ या फिर अप्रॉक्स 3 ईयर लग ही जाते हैं। तो उसके बाद आपका जो ये है इसमें आप 2 साल देना पड़ेगा आपको, यानी कि अगर आप बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन करना चाहते हैं तो वैसे तो इसको करने में आपको 4 साल लग जाता, लेकिन आपने पहले से ही 2-2.5 साल दे रखा है और आपका फाइनल हो चुका है वो, तो उसके बाद बस आपको 2 साल देना पड़ेगा और 2 साल में आपको बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि आपको कहते हैं कि PDF नोट्स प्रोवाइड करिए, यानी कि जो भी मैं वीडियोज अपलोड किया करती हूँ उसका PDF प्रोवाइड करें। तो मैं ट्राई करूँगी जल्द से जल्द हर एक वीडियो का, जो भी MCQ टाइप क्वेश्चन हो या फिर कोई टॉपिक पे अगर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो उसका PDF आप लोग को प्रोवाइड करूँ, तो मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगी। उसके बाद है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी फ़िलहाल जो है जून में शायद आ रखा था, लेकिन उसमें वेब कॉपी लिख के आया था। अब देखिए कब वो वेरीफाई होके आता है, क्योंकि एक बार तो वो आ चुका है, और जिसके पास वो जो वेब कॉपी वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, डिप्लोमा सर्टिफिकेट था, वो भी आप कहीं लगा सकते हैं। अगर आपका कंपलसरी है कहीं पर ज्वाइनिंग तो आपका वो भी मान्य होगा अगर आप लगाते हैं, क्योंकि उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रखा है, उससे आप रजिस्ट्रेशन कहीं कर सकते हैं या फिर आप कहीं पर ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर वो मैनेज करें तो। नहीं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी देखिए कब आता है, वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन देखिए शायद जून या जुलाई स्टार्टिंग में या जून लास्ट में आ ही जाए, जिसमें कि उसमें क्या होगा कि वो वेरीफाइड रहेगा, उसमें वेब कॉपी लिख के नहीं आए, यही उम्मीद किया जा रहा है। तो वेट करिए, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए सेटिस्फैक्ट्री रहा होगा, आप लोग संतुष्ट होंगे। तो अगर आप लोग के मन में और कुछ भी डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ, और जल्द ही मिलेंगे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहे। तो बाय, टेक केयर।